ठीक है, सैलियर और दोस्तों आज के लिए हम बात करने वाले हैं कि आप हेयर वैक्स को प्रॉपरली वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि वैक्स कैसे यूज़ करना है, और वो कोई भी वैक्स खरीद के लिए आते हैं कैसा भी, और बस उनको ये पता होता है कि वो अपने बाल को स्टाइल करना है, कैसे करना है वो कुछ भी नहीं पता, और वो सिंपली जो तरीका होता है वैसे कर करके अपने बालों को स्टाइल। कर लेते हैं जो हो भी जाता है, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा आपके जो बाल है वो ख़राब भी हो जाते हैं थोड़ी देर में, और जो भी प्रॉब्लम है वो होती है मैं आपको बताने वाला हूँ, और पूरी प्रॉपर डिटेल में आपको दूंगा कि कैसे आपको अपने हेयर वैक्स को अप्लाई करना है अपने हेयर पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल के आइकन को टैप करो, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरी कोई वीडियोज़ मिस नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने मुझको मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर आपको डिस्प्ले पर शो भी हो रही होगी, आप मुझको फॉलो करके वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब जरूर दूंगा। तो बिना किसी तरीके की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप कोई भी जब मार्केट में जाते हैं तो आप कोई भी वैक्स खरीदते हैं, तो कुछ लोग आज भी क्या करते हैं कि जब बस उनको ये पता होता है कि हमको वैक्स खरीदना है, और वो क्या करते हैं मार्केट में जाते हैं और शॉपकीपर को बोलते हैं कि हमको वैक्स चाहिए, और वो जो शॉपकीपर है वो इतना ध्यान नहीं देते और वो कोई भी वैक्स आपको उठा के दे देते हैं। और ऐसे में आपको क्या लगता है कि हाँ भाई बस हमको वैक्स यूज़ करने और हमारे पास वैक्स आ गया और अब जो हमारे बाल है वो स्टाइल हो जाएंगे। तो ऐसा कभी भी आप ना करें। अगर आपको वैक्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप वैक्स को बाय ना करें, क्योंकि आप वैक्स खरीद लेंगे फिर बाद में आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है कि जो आपके बाल हैं वो स्टाइल नहीं हो रहे हैं, कभी थोड़ी देर में ख़राब हो जा रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, तो फलाना ढिमकाना जो भी होता रहता है आपके साथ। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आप वैक्स खरीदने जाते हैं तो आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो हेयर स्टाइल है वो आप किस तरह से रखते हैं। तो अगर आप अपने हेयर स्टाइल को स्टैंड में रखते हैं तो उसके लिए अलग वैक्स आएगा, अगर आप अपने हेयर स्टाइल कुछ अलग रखते हैं मेरी तरह रखते हैं तो उसके लिए कुछ अलग वैक्स आते हैं। तो जैसे जैसे आप हेयर स्टाइल रखते हैं तो उसके हिसाब से जो वैक्स हैं वो आपको मिलते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आप कौन सा हेयर स्टाइल रखते हैं और उसके हिसाब से आपको कौन सा वैक्स लगाना है। तो अगर आप रखते हैं बाल के स्टाइल कुछ और आपने वैक्स खरीद ली कुछ और, तो ऐसे आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपको ये कंफर्म करना है तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और आपको वो देखना है, तो आपको इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम देखते हैं कि आपको वैक्स को कैसे अप्लाई करना है अपने हेयर में प्रॉपरली वे में। तो फर्स्टली आपको अपने बालों को गीला करना होता है, जिससे जाके बाल हैं वो काफ़ी ड्राई हो जाएं, सही हो जाएं। और गीला करने के बाद आपको क्या करना है, मतलब धोना है अपने बालों को, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको उसको ड्राई करना है, सुखाना है उसको। तो अगर आप टॉवल यूज़ करते हैं तौलिया तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप जब टॉवल यूज़ करते हैं तो उसमें आपको हीट प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप ड्रायर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको हीट प्रोटेक्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं यहाँ पर ड्रायर यूज़ करूँगा, क्योंकि जब आप ड्रायर से करते हैं तो जो आपके बाल हैं वो काफ़ी जल्दी ड्रायर होते हैं और वो काफ़ी एक सही वे है आपके बालों को ड्रायर करने का। तो अगर आपके पास ड्रायर नहीं है तो आप अगर टॉवल से अपने बालों को ड्रायर करते हैं तो उसके लिए बस आपको अपने बालों पर थपथपाना है, मतलब आपको रगड़ना नहीं है, आपको रब नहीं करना है अपने हेयर को, इससे आपके जो हेयर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो सकते हैं। तो अगर आप ड्रायर से करते हैं तो आपको हीट प्रोटेक्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं, कहीं से भी आपको ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको कोई भी हीट यूज़ करने से पहले मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी आप कोई हीट वाली प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे स्ट्रेटनर हो गया, कर्लियर और ड्रायर हो गया, जब भी आप ये सब यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको हीट प्रोटेक्टर लगाना अपने बालों में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी बालों की ऐसी तैसी हो सकती है। तो इसके लिए आप हीट प्रोटेक्टर पहले जरूर लगाएं। तो फर्स्ट टिप हमारी यही थी कि आपको ड्रायर से अपने बालों को सुखाना है और फिर उसके बाद आपको हीट प्रोटेक्टर अप्लाई करना है अपने हेयर में। और जो नेक्स्ट टिप है वो है वैक्स। तो एक्चुअली ये मेन टिप है और इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि कई सारे लोग गलती क्या करते हैं इसमें कि आप वैक्स तो लेके आते हैं कि मान लो आपने वैक्स भी सही ले लिया कि हाँ भाई ये वाला वैक्स है, ये हमारे बालों के लिए सही है और हम अपने बाल ऐसी स्टाइल करते हैं। तो ऐसे क्या करते हैं कि जो बंदे होते हैं आजकल के ना, वो वैक्स का जो बॉक्स होते हैं वो खरीद के तो लाते हैं और फिर ऐसे क्या करते हैं कि वो अपने बालों को स्टाइल करने के लिए एक ही बार जो वैक्स होता है वो निकाल लेते हैं, ऐसे तो नहीं निकालते, एक ही बार ज़्यादा से निकाल लेते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं अपने हेयर में। तो ऐसे आपको कभी भी नहीं करना है, आपके बाल हैं जो सही से ऐसे स्टाइल नहीं होंगे, आपको एक ही बार में ज़्यादा से वैक्स नहीं लेना है, ऐसे आपके बाल जल्दी से भी स्टाइल नहीं होंगे। आपको वैक्स लेना है कि आपको जब आप अपने बाल स्टाइल करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा वैक्स पहले लेना है और फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको वो अपने हेयर में अप्लाई करना है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि बस आपको क्या करना है कि जो लेयर बाय लेयर है वो अपने वैक्स को अप्लाई करना है अपने हेयर में, और थोड़ा थोड़ा करके अपने वैक्स को आपको अपने हेयर में अप्लाई करना है, जिससे कि आपकी जो वैक्स है वो अच्छी तरह से लग जाए आपके बालों पर। और लेयर आप बनाएंगे तो आपको पता है कि वैक्स में लेयर बनानी होती है, और लेयर बना के अप्लाई करते हैं तो जिससे आपकी वैक्स है वो भी कम लगेगा और आप एक ही बार में ज़्यादा लेते हैं तो उससे आपके बाल भी स्टाइल नहीं होंगे और जो आपके बाल हैं वो शायद ख़राब भी हो सकते हैं, और ऐसे जो आपकी वैक्स है उसकी जो क्वान्टिटी है वो भी ज़्यादा खर्च हो सकती है। तो आप लेयर बाय लेयर अप्लाई करें, आपको थोड़ा सा वैक्स पहले लेना है और फिर उसको अपने बालों पर अप्लाई करना है
और फिर आपको अप्लाई करते रहना है, और फिर अगर आपको लगे कि अभी भी आपके जो बाल है वो स्टाइल नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा वैक्स लेना है, फिर आपको अप्लाई करना है, और ऐसे आपको करते रहना है जब तक आपको ना लगे कि जो आपके बाल हैं वो स्टाइल हो चुके हैं। तो मैक्सिमम 2-3 बारी में जो आपके हेयर है वो ऐसे स्टाइल हो जाएंगे। तो आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अपना वैक्स लेना है और फिर उसको आपको अप्लाई करना है, और ऐसे आप देखेंगे जो आपके बाल हैं उसमें जो वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छा आ जाएगा, और ऐसे आपके बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक चल सकते हैं। तो आपको एक ही बार में ज़्यादा वैक्स नहीं लेना है, आपको इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लॉक हेयर बाय स्प्रे। तो ये लास्ट और इम्पॉर्टेंट टिप है। अगर आप अपने हेयर को स्टाइल करते हैं तो मान लो कि आपने अपने हेयर को वॉल्यूम अप दे दिया और जो आपका हेयर है वो पूरे स्टैंड है और आप चाहते हैं कि जो आपके हेयर है वो पूरे इस पर लॉक हो जाएं, या फिर अगर आपने मेरी तरह भी दे दिया और ऐसे आपका जो वॉल्यूम है वो उठा हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपके हेयर है वो वहीं पर लॉक हो जाए, वो कहीं भी हिले डुले ना, और जो आपके बाल हैं वो उसको थोड़ा भी फर्क ना पड़े, मतलब आपके जो बाल हैं वो जैसे हैं वैसे ही रहें, तो इसके लिए आप लॉक स्प्रे यूज कर सकते हैं, और ये भी आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएगा, आप कहीं से भी इसको बाय कर सकते हैं। तो इसको यूज करने से क्या होगा कि जो आपके बाल हैं वो पूरे लॉक हो जाएंगे, अगर आप स्टैंड अप करके रखते हैं अपने बालों को तो आप वहां पर अगर उस स्प्रे को अप्लाई करते हैं तो फिर जो आपके हेयर हैं वो उसी में रहेंगे जब तक आप अपने बालों पर पानी नहीं लगाते हैं, तो और जो आपके बाल हैं वहां पर लॉक हो जाएंगे और जो देखने में काफी अच्छे लगेंगे। और बस इतनी जो टिप्स है ये आपको फॉलो करनी है, और फिर ये फॉलो जैसे आप करते हैं तो और फिर इसके बाद जो आप देख सकते हैं कि आपके जो बाल हैं उसमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम ऐड होगा और जो आपके बाल हैं वो लंबे टाइम तक बने रहेंगे आपके साथ और आपको कूल दिखाने में मदद करेंगे। तो बस ये थी वीडियो आज की, जो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और ऐसे आपको प्रॉपरली वे में यूज़ करना है, और आपको लगता है कि हमारा ये जो दोस्त है ये निकम्मा जानता नहीं है तो आप उसको ये वीडियो सेंड करें ताकि वो भी जान जाए कि कैसे आप उसको हेयर वैक्स को प्रॉपरली वे में यूज़ करना है। तो अगर आपको कुल स्मार्ट हैंड से बनना है तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को टैप करें जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी और आप मेरी कोई वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने मुझको अपने इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर आपको डिस्प्ले पर शो भी हो रही होगी, आप मुझको फॉलो करिए, वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब जरूर दूंगा। तो बस मिलेंगे ऐसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।